एक फरवरी को पेश होता है देश का बजट। बजट यानी सरकार की कमाई और खर्चों का हिसाब। सरकार कहां से कितनी कमाई करती है, किस जगह कितना खर्च करती है। वैसे तो बजट लाखों करोड़ का होता है, लेकिन हम सब इसे एक रुपए के जरिए समझ लेते हैं। तो एक रुपए में 16 पैसे की कमाई होती है जीएसटी से, 15 पैसे मिलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स से, और 15 पैसे की ही कमाई होती है इनकम टैक्स से। 7 पैसे आते हैं एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से होती है 5 पैसे की कमाई। इसके बाद आती है 5 पैसे की नॉन टैक्स इनकम, फिर नॉन डेट कैपिटल आय 2 पैसे की, और आखिर में सरकार के कर्जों और बोरोइंग से आता है 35 पैसा। तो इस तरह होती है एक रुपए की कमाई। अब ये समझते हैं कि सरकार एक रुपए में कितना हिस्सा कहां खर्च करती है। तो 20 पैसे सरकार को ब्याज भुगतान पर खर्च करने होते हैं, 17 पैसे केंद्र सरकार टैक्स ड्यूटी में हिस्से के तौर पर राज्य सरकारों को दे देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर सरकार खर्च करती है 15 पैसे, वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर पर खर्च होते हैं 10 पैसे, फिर आती हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिन पर खर्च होते हैं 9 पैसे, अन्य खर्च पर जाते हैं 9 पैसे, डिफेंस सेक्टर पर सरकार खर्च करती है 8 पैसे, और फिर 8 पैसे जाते हैं सब्सिडी पर, और पेंशन पर सरकार खर्च करती है 4 पैसे। तो ये तो था सरकार के कमाई और खर्चों का लेखा जोखा। बजट से जुड़ी और भी जानकारियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बीके प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।